आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त संजू राजपूत और आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे शॉपिंग की, मैंने शॉपिंग किस चीज़ की है, मैंने क्या क्या खरीदा है, तो आज हम वही आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे शॉपिंग करने के लिए, अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, किसी को सैंडल खरीदना है, तो हम लोग गए थे मार्केट। जाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, देर हो गई थी, तो बच्चों के लिए तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाए हैं, लेकिन अपने लिए हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है, तो हम आज उसको सब रख रहे थे, सेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें कि हमने रक्षाबंधन के लिए क्या क्या सामान खरीदा है, कैसी हमारी तैयारी चल रही है। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आज थोड़ा तबीयत नहीं सही है, हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बदन में बहुत दर्द है, सर दर्द और बदन दर्द की वजह से रात भर हम सो नहीं पाए हैं और सुबह से भी हम लेटे ही हुए थे। अब हम उठे हैं तो हमने सोचा कि ये अपना सारा सामान हमें सेट करना है जो कि हम शॉपिंग करके लाए हैं, तो हम सामान सेट करने जा रहे थे। तो आप सब लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। फ्रेंड, तो चलिए देखिए कि हम कौन कौन सा सामान खरीद के लाए हैं। तो चलिए देखिए कि हम किस चीज़ की शॉपिंग करके आए हैं। तो हम आपको अपनी शॉपिंग से लाया गया जितना भी सामान हम लाए हैं आप लोगों को बहुत आराम आराम से दिखाएंगे। तो ये देखिए, हम अपने आयुष्मान के लिए स्लीपर लाए हैं, उनकी स्लीपर टूट गई थी तो बारिश का मौसम था तो इधर उधर वो घूमते ज़्यादा हैं, घर में थोड़ा कम रुकते हैं, तो उनके लिए स्लीपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी तो उनके लिए हम ले आए हैं। और हमारी स्लीपर भी टूट गई थी, थोड़ा घिस गई थी तो वो पानी में अगर पैर पड़ता था तो हमारी वो चप्पल स्लिप कर जाती थी, तो इसलिए हम अपने लिए भी न्यू ले आए हैं क्योंकि वो चिकनी हो गई थी और हम दो बार फिसल भी चुके हैं उससे। और बिटिया का भी यही हाल है, बिटिया की चप्पल भी नीचे से पूरी तरह से घिस गई थी तो बिटिया के लिए भी हमें लाना था, तो ये बड़ी बिटिया के लिए भी हम ले आए हैं, तो उन्होंने ये पसंद की थी तो उनकी पसंद के स्लीपर है और हमारी हमारे पसंद के स्लीपर हैं, तो हम तीन लोगों के लिए स्लीपर ले आए हैं, छोटी बिटिया रह गई है। और देखिए हम क्या लेके आए हैं, हम ये हमारा ब्लाउज़ है तो ये हमें पसंद आ गया तो हमने ले लिया था, ये किसी साड़ी का नहीं है, ऐसे ही हम ले आए थे क्योंकि गोल्डन कलर ऐसा होता है हर साड़ी पे मैच करता है, तो हमने गोल्डन यूं ही ले लिया था पसंद आने पर। और थोड़ा सा पर्सनल सामान भी है हमारा तो उसको हमने साइड में रख दिया है। और ये हम आपको दिखाएंगे, देखिए हम हरी हरी चूड़ियाँ खरीद के लाए हैं, तो ये रक्षाबंधन के लिए लाए हैं, हम रक्षाबंधन पे ग्रीन साड़ी पहनेंगे तो ग्रीन चूड़ी भी हमें लेनी थी तो हमने चूड़ियाँ खरीद ली हैं। और कंगन भी हम लाए हैं तो कंगन हम अभी आपको दिखाएंगे, तो ये देखिए ये चूड़ियाँ हैं हमारी, तो ये चूड़ियाँ हमारी थोड़ा फैंसी में है तो ये हम मार्केट से लेके आए हैं। और प्लेन चूड़ी भी हमें इसमें लगानी रहेगी तो वो तो हमारे यहाँ बेचने आते रहते हैं ठेले पे तो हम वहीं लेंगे, और ये फैंसी चूड़ियाँ थोड़ा सा यहाँ मिलना मुश्किल हो जाता है, आते हैं बेचने लेकिन मनपसंद आपकी साइज़ की चूड़ियाँ कभी कभी नहीं मिलती हैं, तो मैंने सोचा आए हैं मार्केट तो अपने साइज़ की चूड़ियाँ भी ले लेते हैं फैंसी में, तो हमने एक दर्जन फैंसी चूड़ियाँ भी खरीद ली थी। तो और ये हमारे कंगन हैं, तो ये कंगन हम ले आए थे डेली यूज़ के लिए, हम सोचे हैं कि रक्षाबंधन में पहनेंगे उसके बाद हम इसको डेली यूज़ में पहनेंगे, तो कंगन हमारे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बस यूं ही डेली यूज़ के लिए हम लाए हैं तो ये अपना डेली यूज़ में हम पहनेंगे। चूड़ियों के लिए हमारे पास दूसरे कंगन रखे हुए हैं ग्रीन कलर के तो हम चूड़ियों पर वही लगाएंगे, ये हम डेली यूज़ के लिए लाए हैं। और भी बहुत कुछ है अभी आपको दिखाने के लिए, आप सब लोग देखते रहिए, छोड़ के मत जाइएगा बीच में। तो ये हमारी बिंदी है, तो बिंदी भी हमारी थोड़ा सा ख़त्म हो गई थी, हमारा साइज़ भी नहीं मिल पाता है यहाँ पर, तो हमारा तीन नंबर साइज़ वहीं मिलता है आलमबाग मार्केट में, तो हम वहीं से लाते हैं। और ये देखिए हमने अपने लिए कुर्ती खरीदी थी तो ये कुर्ती हम लाए हैं, ये कुर्ती भी हमें पसंद आ गई तो हमने यूं ही ख़रीद लिया, अच्छा लगा मुझे, कलर अच्छा लगा, डिज़ाइन अच्छा लगा इसका तो मैंने ख़रीद ली। तो हमारी कुर्ती आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, ये हम दुपट्टा लेके आए हैं तो दुपट्टे भी थे बहुत सारे, लेकिन ये मैंने कुर्ती न्यू खरीदी थी, मैंने सोचा न्यू दुपट्टा भी ले लेते हैं,
तो कुर्ती और दुपट्टा मैंने ले लिया है और हम लाए हैं साड़ी अपने लिए, तो साड़ी हम डेली यूज़ के लिए लाए हैं। ये हमारी डेली यूज़ की साड़ी है, देखिए इसका कलर तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन इसका जो कपड़ा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया, तो कपड़े की वजह से मैंने ये साड़ी ले ली। और भी इसमें कई कलर थे, लेकिन वो सारे कलर इससे भी बेकार थे, तो ये कलर थोड़ा मुझे सही लगा। इस कलर की मेरे पास साड़ी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यही कलर बेस्ट रहेगा। और देखिए हम एक साड़ी और लेके आए हैं, ये साड़ी हमारी थोड़ा कॉटन की है साड़ी, पर इसका फैब्रिक मुझे बहुत सॉफ्ट लगा, तो हम कॉटन की साड़ी लेके आए हैं। देखिए तो इसमें कि मेरे पास सिल्क साड़ी है, तो वो बहुत ज़्यादा चिकनी है तो वो पहनते नहीं बनती है, तो इसलिए हम कॉटन लेके आए हैं। सिल्क साड़ी में प्लेट बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो ये हम कॉटन लेके आए हैं। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने ख़रीद ली। और ये हमने बच्चों के लिए हेयर ऑयल भी लिया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं, बस बच्चे रह गए हैं बिटिया के लिए। अभी हमने सैंडल नहीं मंगवाई है, कपड़े आ गए हैं दोनों बिटिया के लिए, बड़ी बिटिया के लिए और छोटी बिटिया के लिए, दोनों के लिए हमने ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर की थी, तो इनकी ड्रेस भी आ चुकी है और इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इनको सैंडल लानी रह गई है, तो इनके लिए हम सैंडल दो चार दिनों में दिला लाएंगे, क्योंकि हमारे कपड़े आ गए हैं, हमारा जो सामान था ज़रूरी वो आ चुका है और बच्चों का भी नहीं आया है, तो बच्चे नाराज ना हो जाएं, तो इसलिए हम उनको दो चार दिनों में लेके जाएंगे और उनके मनपसंद जो भी सामान होगा, सैंडल वगैरह होंगी, वो अपने मनपसंद ले लेंगी। तो हमारी साड़ी, हमारी कुर्ती आपको कैसी लगी, हमारी चूड़ियाँ आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।